स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है ज्योतिष फैशन एंड आर्ट। तो फिर हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं मद्रास कटोरी ब्लाउज का कटिंग। आपको सबसे पहले पेपर पे ही कटिंग लेना है। तो फिर चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। हमें इस पेपर पे क्रॉस में ही लेना है इस ब्लाउज़ का नाप। तो फिर मैं यहाँ लेती हूँ। पहले हम यहाँ पे लेंगे हमारी ये लंबाई, बारह इंच, और इसमें हमें एक इंच बढ़ाना है। ये हो गया 13। यहाँ से लेंगे हम हमारी शोल्डर जो कि 5 है। मैं यहाँ पे से सीधी मार्किंग कर लेती हूँ। यहाँ से हम लेंगे हमारा गला जो कि मैं 2.5 इंच पे ले रही हूँ। यहाँ से आर्म होल हमें 6 इंच पे लेना है। मैं 6 इंच पे ले रही हूँ। और यहाँ का ये गला 5 इंच पे। और पे और हम अब हम इसे यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना लेते हैं। आप गला जो चाहे उस आकार में जोड़ सकते हो। मैं यहाँ पे राउंड शेप में जोड़ रही हूँ। फिर अब हम यहाँ से आगे हमारी चेस्ट लेंगे जो कि 8.5 है, और इसमें हमें 1.5 इंच बढ़ाना है जो कि हो गई 10। अब हम इसे यहाँ से सीधे नीचे नीचे लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक सीधी लाइन जोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ का गले के नीचे हमारा ये जो कमर है यहाँ पे हमें 1/2 इंच आगे बढ़ाना है। 1/2 या फिर आधा भी बढ़ा सकते हो। और यहाँ से आगे 1.5 इंच। हमने पहले भी 1.5 इंच बढ़ाया है और उसके आगे भी हमें 1.5 इंच बढ़ाना है। और हमारा ये जो कमर घेर है उसका हाफ लेना है। और हमें ये आ गया 9.5, और 9.5 का भी हाफ हमें लेना है। हाफ यहाँ पे आता है। फिर हमें इसका भी हाफ लेना है ये यहाँ पे। अब हम हमें यहाँ से हमने ये जो टक्स पॉइंट लगाए हैं उसके नीचे हमें 1.5 इंच लेना है। ये हो गया। और हमने जो आगे आगे यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ाना है बढ़ाया है उसे हम जोड़ देते हैं इससे। और इधर जो 1.5 इंच बढ़ाना बढ़ाया है उसे भी। इस तरह से हो गया। और ऊपर की तरफ हमें 3 इंच बढ़ाना है। और दोनों तरफ इधर और इधर 1/2 इंच बढ़ाएंगे हम। 1/2 या फिर 1.5 भी बढ़ा सकते हो। मैं यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ा रही हूँ। इस तरह से हो गया।
और ये हमारा आगे का है आर्म होल, इसलिए हम यहाँ पे 1 इंच बढ़ाएंगे। और यहाँ से ऐसे क्रॉस में जोड़ देते हैं। और गले से हमने जो आधा इंच बढ़ाए हैं वहां तक। इस तरह से हो गया। अब हम इसे कट कर लेते हैं। इस तरह से हो गए हमारी कटिंग। तो फिर अब हम बनाते हैं हमारे नीचे की योग पट्टी। इसलिए मैंने यहाँ पे एक पेपर लिया है, यहाँ से ऊपर मैं 2 इंच लूँगी। यहाँ पे मैंने 2 इंच पे मार्किंग कर लिया। यहाँ से सीधी लाइन दूंगी। हमारा जो कमर घेर था उतना लेना है हमें यहाँ पे, वो था 10 और इसमें हमें 1.5 इंच बढ़ाना है जो कि आएगा 11.5 पर। ये 11.5 लिया। हमने जो यहाँ पे सीधी लाइन दी है वहाँ से ऊपर हमें 1 इंच लेना है जो कि आएगा योग के आकार में। यहाँ पे 1 इंच पे मार्किंग कर लिया और यहाँ से हम योग के शेप में जोड़ देते हैं। इस तरह से हो गया। अब हम इसे कट कर लेते हैं। ऊपर की तरफ हमें 1/2 इंच लेकर कट करना है। जो कि हमने जो ये 1/2 इंच किया है वो सिलाई में जाएगा। इस तरह से हो गए हमारी योग पट्टी की कटिंग। तो हमने जो ये मद्रास कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग किया था, और अब जब हम इन दोनों पे टक्स मारेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इस तरह से हम यहाँ पे टक्स देंगे। इस तरह से हो गई हमारी ब्लाउज़ की कटिंग। इस तरह से आप भी बहुत ही सिंपल तरीके से अपने घर पर मद्रास कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग कर सकते हो। तो वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो फिर कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मैं रोज़ाना ऐसी वीडियो लाती रहती हूँ। धन्यवाद।